जामताड़ा कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा एवं इरफान अंसारी के समर्थकों के बीच हुआ झड़प, भारत जोड़ो नफरत छोड़ो कार्यक्रम फेल। जी हां, आपको सुनने में भले ही अटपटा लग रहा होगा, परंतु हकीकत यही है। एक ओर जहां राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सहित हजारों की संख्या में कांग्रेस के सांसद, विधायक, कार्यकर्ता पैदल यात्रा कर रहे हैं, लोगों तक संदेश पहुंचा रहे हैं, नारा दे रहे हैं, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, अर्थात बीजेपी के लोग आपस में नफरत फैला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि लगातार देश में यही हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के लोग लोगों को समझाने में लगे हैं कि आप नफरत ना फैलाएं, शांतिपूर्ण ढंग से जीवन व्यतीत करें। वहीं दूसरी ओर जामताड़ा में भारत जोड़ो नफरत छोड़ो कार्यक्रम झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अगुवाई में चल रही थी। इसी क्रम में कार्यकर्ता आपस में उलझ गए, दो गुट में बटा कांग्रेस अपने अपने समर्थकों का नारा लगाने लगे। जब दोनों पक्षों में झड़प हुआ तो किसी तरह पुलिस ने बीच बचाव किया, परंतु कैमरे के नजर से नहीं बच पाई कांग्रेसी। अब सवाल है, जब कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं के दिल से नफरत नहीं हटा पाए तो दूसरे के समर्थकों को, दूसरे लोगों को क्या संदेश देंगे? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। किसी पार्टी का बुनियाद उसका कार्यकर्ता होता है। जब कार्यकर्ता स्वार्थवश कोई कार्य करता है तो इसका दुष्परिणाम पार्टी को भुगतना पड़ता है। पिछले कुछ सालों से यही हो रहा है कांग्रेस के साथ। कहीं यह कहावत सही तो नहीं, गोदी में छोरा शहर में ढिंढोरा। नफरत पार्टी के अंदर है, आवाज बाहर दे रहे हैं, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। न्यूज 69 भारत का यह नारा है, जो रहता है सही हम दिखाते हैं वही। सही समाचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सबसे पहले सही और सटीक समाचार मिल सके। अभी मुझे मनीष झा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।